तो इसलिए अब मासूम का कलाम है, फरमाते हैं कि मंताबा कबल मौत ही बेसनतिन कबिलत तौबतो, जो अपने मौत से एक साल पहले तौबा कर ले उसकी तौबा कबूल है। एक साल से शुरू किया, अब फरमाते हैं सनत कसीरतन मंताबा कबल मौत ही बेशहरिन कबिलत तौबतो। अरे साल बहुत होता है, जो अपनी मौत से एक महीना पहले तौबा कर ले उसकी तौबा कबूल है। उसके बाद आप फरमाते हैं कि अला शहरा कसीरुन मन तौबा कबल मौत ही बे उसबूइन कबूलत तौबतो। अरे महीना भी ज्यादा है, जो अपने मौत से एक हफ्ता पहले तौबा कर ले उसकी भी तौबा कबूल है। उसके बाद इरशाद हुआ अलाबुआ कसीर, अरे हफ्ता भी तो बहुत होता है। मन ताब कबल मौत ही बेसातिन बेयौमिन कबिलत तौबतो, जो अपने मौत से एक दिन पहले तौबा कर ले। अब दिन तक पहुंच गई बात, अब फरमाते हैं अलाउन्नल यौम कसीर, अरे एक दिन भी बहुत है। मन माता कबल मौत ही बेसातिन कबिलत तौबतो, जो अपनी मौत से एक साथ पहले तौबा कर ले उसकी भी तौबा कबूल है। अब हमारे सामने तो इंतहा हो गई, क्योंकि साथ वो साहिबान इल्म जानते हैं कि घंटे के मानी में नहीं है, थोड़ी सी मुद्दत को कलील मुद्दत जमान को साथ कहते हैं। तो वो साथ भी फरमाते हैं बहुत है। मन कबल मन मात मन ताबा कबल मौत ही कबल यतगरगरा बिल मौत, बस जब तक मौत का घर्रा लगे उसके पहले तौबा कर ले तो तौबा कबूल है। इतनी वसात उस करीम ने तौबा के बारे में दी गई, मगर फिर भी इत्मीनान का सरमाया यूं नहीं मिला कि वक्त नहीं बताया गया कि वो आखिरी वक्त कब आएगा। सलावत भेजिए वलंदा, फिर वलंदा सलावत। अरे उस किस्म की मजलिस ये नहीं है, मगर बात आ गई है तो कहता हूँ कि यही हिकमत थी मौत के वक्त को पर्दे में रखने की और उसका कोई मेयार न होने की कि बूढ़े को मौत आएगी या जवान को या बच्चे को। अगर कोई मेयार होता तो जवानी इस इत्मीनान में गुजारते कि अभी बुढ़ापा दूर है, लिहाजा खुल खेल लें, जितनी चाहे बदामालियां कर लें, क्योंकि वो तो उसूल है कि बूढ़े ही को मौत आएगी और जो बच्चे होते वो तो कहते कि अभी हमें बहुत मंजिलें तय करना है, लिहाजा अव्वले बुलूग है अभी तो, अभी अव्वले बुलूग में तो बच्चा कहलाता ही है, चाहे पेशे खुदा बच्चा न रहे लेकिन वो भी बच्चा समझता है, दूसरे भी बच्चा समझते हैं। अरे वो बेचारा रोजा रखना चाहता है तो बुजुर्ग मना करते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, अभी क्या करोगे रख के, यानि उसको अपने हाथों जन्नत से महरूम करते हैं। तो वो दर हकीकत जब मेयार नहीं मुकर्रर है, मेयार मुकर्रर होता तो परमाने सुकून होता उनके लिए जिनकी मंजिल दूर है, लिहाजा न वक्त मुकर्रर न उम्र मुकर्रर। ये इसीलिए कि हर वक्त उम्मीद भी रहे ना उम्मीदी भी रहे, सुकून और रजा दोनों रहे ताकि कुव्वत अमल जिंदा रहे, इस्लाह अमल का जज्बा कायम। सलावत भेजिए बलंदा।